ये तुम क्या कह रही हो? ये सब इस भरी दुनिया में हमारे बेटे के साथ ही होना था? नहीं 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 चुलबुली नहीं, बुलबुले का बाप अभी जिंदा है। ओहो तनिके हो गया, तू क्यों घना टेंशन ताम भी हो रहा है? अरे मैडम मैडम, मेरा बेटा बुलबुले, उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है मैडम। और मैडम वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, हमारे पूरे खानदान में सबसे हाईएस्ट मार्क्स वही लेकर आया है मैडम। ओहो ना, कितने मिल गए मैडम? 40%। मैडम मेरे पिताजी अपनी लाइफ में 20% के ऊपर नहीं गए, मैं अपनी पूरी जिंदगी में 30% के ऊपर नहीं गया मैडम, लेकिन मेरा बेटा बुलबुले 40% लाया है, फिर भी एडमिशन नहीं मिल रहा। अरे तो तू इतनी बावड़ा क्यों हो रहा? तू मेरी बात सुन ना, तू कोशिश जारी रख, जो थारे से कुछ ना हो तो फिर मैं देखूंगी क्या करना। अरे मैडम मैडम, उसे छोड़िए, पहले मुझे देखिए, मैं लकी हूँ ना? नहीं, दाल में कुछ काला है, इसकी लीजिए खबर, ये आदमी मुझे लग रहा है गड़बड़। तू तू क्यों है? देखिए मैडम, मेरा नाम है ना बोनी बर्मन है, मैं झंडा वाला पार्क के सामने फ्लैग वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। रोज सुबह 9 बजे मैं ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ, जैसे मैं नीचे उतरता हूँ ना तो वहाँ पे 2 ऑटो रिक्शा वाले खड़े रहते हैं, श्याम और छेनू, वो है ना हमारे इलाके के छठे हुए गुंडे भी हैं। जैसे ही मुझे देखते ना तो श्याम कहते आप मेरी रिक्शा में बैठो, और छेनू कहते आप मेरी रिक्शा में बैठो, और दोनों की उलझन में मैं उधर जाता हूँ ना, मैं लकी हूँ ना। ओहो यो माजरा हो रहा। हाँ बेटा एक काम कर, तू कल को आइयो, कल हम थारे श्याम और छेनू ने भी बुला के रखेंगे, डोंट वरी। मतलब आप मेरी और एक शर्ट फड़वाएगी? मैं लकी हूं ना इसलिए। क्वाइट अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम। हैं? पेक्यूलियर प्रॉब्लम। हैं? आपको इंग्लिश नहीं आती है? आई नो रैप्टा। हैं? खामोश। हैं? खामोश। हैं जी? खामोश। एक सेकंड मैं बोल देता हूँ। खामोश। रैप्टा। ना तो तुम दोनों रे बावड़ी पूछ है, जब रोज सवेरे इस आदमी ने उधेड़ देवे हो। ये मैडम मैडम बात वो नहीं है, ये बोनी तो एक बहाना है, हम दोनों के बीच तो 3 पीढ़ियों से दुश्मनी चल रही है, खानदानी दुश्मनी है। मैडम बात ऐसी है कि शाम के दादाजी तांगा चलाते थे, मेरे दादाजी भी तांगा चलाते थे, दोनों की इस बात पर ठनी रहती थी कि किसके तांगे में सवारी सबसे पहले बैठेगी। और राज की बात मैं आपको बताऊं, मेरे दादाजी ने इसके दादाजी की गर्लफ्रेंड को उसी तांगे में घुमाया था और लेकर भाग गए। अबे चुप, हंसना बंद कर, तू भूल गया मेरे बापू ने तेरे बापू की गर्लफ्रेंड को रिक्शा में ऐसा घुमाया कि वो सेट हो गई। चुप, ज्यादा आवाज निकाली ना तो चौकी के पीछे वाले मैदान में जिंदा कटवा दूंगी ऑटो समेत। ठीक है मैडम, तो अब आप ही फैसला करो कि ये किसके ऑटो में बैठेगा। हाँ मैडम, हाँ। आज फैसला हो ही जाए। हाँ। लेकिन इसका फैसला होगा कैसे? मैं बताता हूँ फैसला कैसे होगा। फैसला इन 2 संतरों से होगा। एक संतरा मैं तुझे दूंगा, एक संतरा मैं तुझे दूंगा। अब तुम दोनों के बीच में खड़े रहेंगे बोनी बर्मन, तुम दोनों 3-3 कदम इस ओर और उस ओर जाओगे, उसके बाद जब मैडम चिल्लाएंगी शूट, तब तुम घूम के अपना अपना संतरा बोनी बर्मन की ओर फेंकोगे, जिसका संतरा बोनी बर्मन को पहले लगेगा बोनी बर्मन उसकी ऑटो में सजेगा। Hey! हाँ जी जी मैडम जी, बहुत मजा आएगा जी। लो ना मसाज अंकल ने भी मजा आ गया, तो ईब तुझे है, जल्दी मार्क पे चलो चलो। Hey, मुझे लगेंगे ना। अरे चलो खड़े रहो, संतरे हैं यार। Hey! चलता है, होता है होता है, संतरा तो है। आपको पता है कि मैं लकी हूं यार। चलो रेडी, एक एक कदम आगे बढ़ो, 1, 2, 3। सुन, देखा मेरा पहला लगा। पहला मेरे। रुपए 19-20 का फर्क रहा है। हाँ तो 19 किस का और 20 किस का? अरे फैसला यो है कि टर्न बाइज यो तुम्हारे ऑटो में बैठेगा ना, एक दिन थारे ऑटो में और एक दिन थारे ऑटो में, क्लियर? लेकिन मैडम, लेकिन मैडम मेरा केस सोल्व हो गया है। इब जो ज्यादा क्वेश्चन आंसर राउंड कराना तो लॉकअप के अंदर चलाओगे तुम ऑटो। खामोश। अबे चला मैं। थैंक यू वेरी मच मैडम,
मैं लक्की हूं ना। अरे सवेरे नाश्ता ना करा के जोर लगा। कैसा था आइडिया मैडम संतरे का? देखिए आप अब बेशर्मी बोल रही हैं। आई डू नॉट लाइक। देखिए रोकिए, देखिए अगर आप ज्यादा कुछ करेंगे हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस पुलिस बचाओ। देखिए गुड़गुड़ी हो रहा। अरे गुड़गुड़ी हो रही है। क्या करिए आप? क्यों के चरित्र का चित्रहार बना रहा तू? अश्लील लोग अश्लील विचार। आप एक अश्लीलता का समंदर है एंड आई डोंट वांट टू स्विम इन इट। आई विल ड्राउन। अरे 24 घंटे आपके दिमाग में सैया की साए साए आपकी फिल्में चलती रहती हैं। अच्छा और थारे सपने में घनी अच्छी फिल्म चल रही। छोड़िए छोड़िए मन ने छोड़िए गुड़गुड़ी प्लीज प्लीज बचा बचा यो सब के लगा रखा। अरे मैं कोई इतनी सीधी सिंपल छोरी ना हूं। मन ने सब बेरा कि तू सपनों में के देखा करे। अच्छा तो अब हम सपने भी आपकी परमिशन लेकर देखें। भाई वैसे भी 24 घंटे तो आप ढोंस जमाती रहती हैं हम पे, अब ये भी। अच्छा भटिया सामने से हमारे पीने का वक्त हो गया। नींबू पानी पीने का वक्त हो गया भाई, क्या सुनती रहती हैं आप? हटिए। मन ने बिचिए आपको हम नींबू पानी तो क्या आधा पानी भी नहीं पिलाएंगे। हटिए यहाँ से। अरे थारा तो बाप भी पिएगा। एक्सक्यूज मी, मेरा बाप सिर्फ मेरी माँ को नींबू पानी पिलाता है एंड आई लव मम्मी। एक्सक्यूज मी मम्मी। ना मैडम हम क्यों ले क्रेडिट कार्ड, ना हम पुलिस हो रहे, ना लोग हमसे क्रेडिट मांगते, ना हमें ना चाहिए। मैडम मैं लक्की हूँ ना। अरे यो के चौकी में मैंने हास्य कवि सम्मेलन बैठा रखा जो तू जब देखो मुंह उठा के चला आवे। आपको इसमें क्या हास्य कवि सम्मेलन दिख रहा है मैडम? अरे उन लोगों ने फिर से मेरी ये हालत कर दी। मैं लक्की हूँ ना। मैं तेरे को बोल देता हूँ गलती तेरी है। नहीं तेरी है मैं बोलता हूँ। नहीं तेरी है। मैडम आज शुक्रवार है और कायदे से इसे मेरे ऑटो में बैठना था मगर छेनू का बच्चा आकर उसे अपने ऑटो में बिठा कर लेकर गया। ओ, तो वो भी ऑटो चलाता है? कौन? छेनू का बच्चा। नहीं तो फिर वो क्या चलाता है? मुझे क्या पता। अब मैडम क्या है कि आपने कहा था कि ये आदमी एक एक दिन हम लोगों के ऑटो में बैठेगा लेकिन ये नहीं कहा था कि किस दिन बैठेगा। नहीं मेरा सोया हुआ दिमाग जग रहा है, ये मामला तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। बेटा तू जग मत, तू सो ले। यू नीड ब्यूटी स्लीप प्लीज स्लीप। ओके। अरे यो के ड्रामा से है ना, इस बोनी से अपनी बोनी कराने के चक्कर में क्यों रहते हो? वो मैडम मैंने आपको बताया था ना वो खानदानी जो भी हमारे में। मैडम क्या है कि आदमी इतना लकी है कि इसके हाथों जिसकी भी बोनी हो जाए समझो उसके तो नकल पड़े। हाँ मैडम ये बोनी बहुत लकी आदमी है। इससे पहले है ना ये टोटल तिवारी के ऑटो में जाता था तो मालूम है एक दिन है ना एक आदमी उसके ऑटो में 1 करोड़ का बैग भूल गया और उसके बाद ये बबलू सिकंदर के ऑटो में बैठता था तो उसकी तो लॉटरी निकल आई। क्यों नहीं यो के कह रहा तू वाकई लकी हो रहा है तो उसमें मैं क्या करूँ, मैं लकी हूँ ना। अरे यार जब तुम इतना लकी हो तो ऑटो में क्यों बैठते हो? तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ गाड़ी है लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती इसलिए मैंने ना ड्राइवर रखा। तो पहला ड्राइवर रखा तो उसे 2 महीने में सीरियल में हीरो का रोल मिल गया तो वो भाग गया। दूसरा रखा तो उसे ना करोड़पति लड़की पट गई तो वो भाग गया। बाद में तीसरा ड्राइवर रखा तो उसको ना दूर के कोई मामा ने करोड़ों की जायदाद दे दी तो वो भाग गया। मैं लकी हूँ ना लकी। रो मत बेटा, देख मन ने तो यो सारी बातों पे विश्वास करना है पर तुम दोनों ने मैं यो लास्ट वार्निंग दे रही हूँ ना, जो इस बालक ने आगे से सताया ना तो नरक में चलाओगे ऑटो। तो शाम से कान आगे छेनू आया था। शाम छेनू बोलता है छेनू आया था। अबे कौन श्याम, मैं इधर खड़ा हूँ मुझसे बात कर। वो खामोश करके चला गया। अबे मुझे बोलना खामोश, इसे क्यों बोलते है? अरे इसमें तो मैं ऑटो बन गया हूँ। अच्छा है ना, आप ऑटो मेरा हूँ भी ऑटो। चलो 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 चलो। मैडम आपके सामने फोन बज रहा है लेकिन आप फोन। हेलो हाँ चुलबुली। क्या कह रही हो चुलबुली? सच क्या गुड न्यूज दी है तुमने चुलबुली? मजा आ गया चुलबुली। आई लव यू चुलबुली। फोन ने खा ले ठूस।
दूसरे मुंह में। बाय चुलबुली बाय। मैडम मैडम मेरे बेटे को एडमिशन मिल गया। मैडम एडमिशन मिल गया। अबे ओए तू तो कह रहा तेरे बेटे को 40% नंबर मिले थे, ये सब कैसे? मैडम हो ना हो ये सब उस बोनी बर्मन की वजह से हो रहा है। वो सचमुच बहुत ही लकी है मैडम। मैडम ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ लोग लकी होते हैं कुछ अनलक्की। जैसे मैं बहुत ही अनलक्की हुआ करता था मैडम। मैडम जब मैं पैदा हुआ ना तो लोगों ने कहा कि मेरी शक्ल तो हमारे धोबी से मिलती है। वही मेरे पिताजी और माताजी का तलाक हो गया। फिर मैं स्कूल गया मैडम, जैसे ही स्कूल गया हमारे स्कूल की छत गिर गई। और फिर मैं कॉलेज गया, जैसे ही कॉलेज में एंटर किया मैडम पूरे के पूरे कॉलेज में आग लग गई। पता है इतना अनलक्की था मैं। और आज मैं इस चौकी में। चौकी से बाहर निकल ना, आज के बाद तू चौकी के बाहर बैठेगा, अंदर थारा कोई काम ना है। मैडम अब नहीं, अब मैं अनलक्की नहीं। मम्मी जी वो सब होता रहेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं इस मनहूस की वजह से सर जी आपसे ना पट रहे हो। अभी ये क्या बात हुई मैडम? मैम सुनाना, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, गरम गरम जलेबी। तू मारे लिए जलेबी? भाई एक्चुअली हम लाए आपके लिए इसलिए हैं जलेबी क्योंकि व्हेन आई वाज ऑन द वे टू द थाना हमें रास्ते में दिखी एक गर्मा गर्म कटीली लड़की। मेरा मतलब है कि लकड़ियों पर एक चूल्हा था जिसके नीचे से गरम गरम घी उबल रहा था और उसके ऊपर से गरम गरम जलेबी बन रही थी, तो ये जलेबी का टीढ़ापन देख के हमें आपकी याद आ गई, इसलिए हमने सोचा आपके लिए जलेबियां ले आए। खाइए खाइए, आपको मोटे होने की जरूरत है। प्लीज ईट, चलते हैं हम। अरे यो चरित्र परिवर्तन कैसे हो गया भाई, ना हमारे लिए मक्खन सिंह जलेबी ले आया, अनबिलीवेबल। बोनी बर्मन मैडम, बोनी बर्मन, वो सचमुच इतना लकी आदमी है मैडम, हम सबके ऊपर उसका लक फैलता ही जा रहा है। मैडम मैडम देखिए आप ही बताइए मैडम, जो इंसान आपके लिए कभी नींबू पानी नहीं लाया आज आपके लिए जलेबियां लेकर आ गया। मैडम मैडम कुछ कीजिए, कुछ कीजिए जिससे ये बोनी बर्मन हमारे थाने में बस आता जाता रहे। हे आ रहा है, आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक ढोल नगाड़ा खूटा गाढ़ा आइडिया आ रहा है जिससे आपकी शादी का खूटा हमेशा हमेशा के लिए गड़ जाएगा। मैं लक्की हूं, सबको बोल देना। मैं लक्की हूं ना मैडम, मैं बहुत तंग आ गया हूं, आप हमेशा उन दोनों को छोड़ देते हो और बाद में वो दोनों मेरे कपड़े फाड़ देते, और मजे की बात ये है कि वो दोनों मारामारी करते और लग मुझे जाता है। देखिए मैडम आप मेरे केस का कुछ कीजिए वरना मैं यहीं पे रह जाऊंगा। वैसे भी हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मतलब? अरे तू किद जाएगा, थारी तो सारी हिस्ट्री पता कर ली है मैंने। अरे बेटा गुलगुले आन दो भाई। मैडम आपको ये जीतू जर्मन का केस याद है जिसके बारे में हमें बाद में पता चला था कि वो एक्चुअली जर्मनी से था और अवैध रूप से हमारे देश में रह रहा था। वैसे ही ये बोनी बर्मन बर्मा से है और अवैध रूप से हमारे देश में रह रहा है। नहीं नहीं मेरे पिताजी और दादाजी दोनों बर्मन थे। देखा मैडम इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। ये कह रहा है कि ये खानदानी बर्मन है यानी कि ये खानदानी घुसपैठिया है। मैडम मैं इसे अरेस्ट कर लेता हूँ और अंदर डाल देता हूँ। नहीं मैडम आप इसे अंदर डाल देंगे तो हमारा क्या होगा? अब मैडम फिर हमारी बोनी का क्या होगा? बोनी कुछ बोल, खामोश क्यों है? क्या बोले यार, बात तुम लोगों और यहाँ पे ये साइलेंस। नए किस रथ पे मैं इस आदमी ने छोड़ सके हूँ कि यो ये प्रोमिस कर ले कि सुबह शाम ये हाजिरी लगाने इस थाने में आएगा, बोल मंजूर है तन्ने, ताकि इसका लकी चार्म जरा हम पे भी झड़ जावे। हाँ और हमारा भी काम हो जाएगा। वाह वाह वाह, तुम लोगों का काम हो जाएगा तो मेरे काम का क्या, मैं तो लक्की हूँ ना। ओ क्यूट क्यूट बैठ गुलगुले। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक कुंफू कराटे फूल और काटे आइडिया आ रहा है। मैडम फूल और काटे में जिस तरह अजय देवगन एक पैर इधर और एक पैर उधर रख के दो मोटरसाइकिल पे खड़ा होकर साथ में आगे बढ़ सकता है तो ये इंसान क्यों नहीं? गुड क्लियर बेस्ट इव जाना, तू एक टांग नो यो शाम के ऑटो में और दूसरी टांग यो छेनू के ऑटो में रख के जाएगा। क्लियर? नॉट क्लियर, दो दो ऑटो में मैं पैर रख कर नहीं खड़ा रह सकता। हम तुम्हारी समस्या हर लेंगे और तुम्हें पूरी ट्रेनिंग देंगे। भाई शेनू एक काम करो, ये सामने ना पहियों वाली दो कुर्सियां पड़ी हैं, उस पे चढ़ा के ना इसको ट्रेनिंग दो। तो शाम का बोलना का छेनू आया था। शाम छेनू बोलता के छेनू आया था। अबे कौन छे, मैं इधर खड़ा हूँ मुझसे बात कर।
ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग। एक मिनट बैग रखो, मैं लकी हूं ना। क्यों गया? यू के हालत बना रखी से। मैडम इसे छोड़िए, इन दोनों की हालत देखिए जरा। हाँ भाई सच सच बताओ बात क्या है? वो क्या है ना मैडम, आपने जैसा कहा था ना हम लोग ने वैसा ही किया। हमने इसका एक पैर मेरी ऑटो में और दूसरा पैर इस छेनू की ऑटो में रख दिया। फिर हम लोग जा रहे थे तो सामने से कार आ गई। हाँ मैडम, ऑटो निकल गई और कार आके इससे भर गई। अब इसकी लक देखिए मैडम, लक। कार का मालिक करोड़पति था, उसने हम दोनों से कहा भाई देखो हमारी FIR मत लिखाना, मैं तुम दोनों को अपनी कंपनी में अच्छी सी नौकरी दे देता हूँ। हाँ और हम दोनों मान गए। वो मैडम हम तो है ना इसको लेकर सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। अभी हम लोग चलते हैं, हमको ऑफिस को जाने को देर हो रही है। अबे चलना में खामोश। छेनू खामोश बोल रहा है। खामोश। मैं लकी हूँ मैडम, मेरा कुछ कीजिए, मैं लकी हूँ ना। अरे तू घना प्रॉब्लम चाइल्ड से। लकी हूँ भाई, इनके ऑटो में तू बैठ ना सके, गाड़ी तू चला ना सके, ना तो क्या करूं, तीन पहिए वाली गाड़ी चला सके तू? ट्राई करूंगा, मैं लकी हूँ ना। ओहो तो एक काम कर तू ना, अपना ही एक ऑटो ले, उसने चला, उसमें बैठ के ऑफिस जा, ऑफिस से आ, क्लियर? पर सुन भाई ना, हमारी चौकी में सवेरे शाम हाजिरी लगाने को जरूर आना है। बेटा गोपी। हाँ जी जी। भाई वो चोरी वाला ऑटो है ना, ना वो इस आदमी ने बेच। ठीक है जी। अभी तेरे को ऑटो दिखा। भाई मिश्रालाल देखिए अब हम आपके लिए क्या लाए हैं, इमरती। भाई एक्चुअली हुआ क्या कि आज भी थाने के रास्ते में हमें बीच में एक गर्मा गर्म कटीली लड़की मेरा बताया, लकड़ियों पर एक पतीला था जिसके नीचे घी उबल रहा था और उसके अंदर ये इमरती उबल रही थी। इन सब का टेढ़ापन देख के हमें आपकी याद आ गई। तो खूब खाइएगा, आपको वेट प्रोटान करने की जरूरत है। 5 pounds। बोनी बर्मन। मैडम रिलैक्स रिलैक्स, कंट्रोल कंट्रोल। मैडम कहे मैडम चुप, ईद के हो गया। मैडम प्लीज प्लीज आप मुझे बचाइए। अरे तुम दोनों ना, तुम्हारी तो नौकरी लगी थी, क्या कर रहे हो हमारे थाने में? हाँ क्या हुआ, नौकरी छूट गई क्या? कहीं दोबारा ऑटो चलाना तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं मैडम नहीं, ये लोग है ना फिर से मेरे पीछे पड़ गए हैं। नहीं। हाँ नहीं। अरे हाँ नहीं। अरे नहीं। अरे चुप, ईद के हो गया प्लीज। मैडम आपने कहा था ना कि रिक्शा खरीद लो, तो मैंने रिक्शा खरीद ली। अब प्रॉब्लम ये है मैडम कि पहले ये दोनों इस बात पे झगड़ते थे कि इन दोनों की रिक्शा में से सबसे पहले मैं किसकी रिक्शा में बैठूं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अब इस बात पे झगड़ रहे हैं कि मेरी रिक्शा में ये दोनों में से पहले कौन बैठेगा। मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए, मैं तो लकी हूं ना। बेटा थारा कुछ ना हो सके। क्यों? अरे क्योंकि तू लकी है ना।